नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। खबर है पूरे संथाल परगना से। रंग रैलियां मना रहे पंचायत सेवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा। गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र की चिलकारा गोविंद पंचायत के पंचायत सचिव देवानंद महाजन को ग्रामीणों ने पंचायत भवन में महिलाओं के साथ रंग रैलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ग्रामीणों ने पंचायत भवन में ताला जड़कर पंचायत सेवक और महिला सहित अन्य युवक को पूरी रात पंचायत भवन में ही बंद रखा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस अल सुबह घटना स्थल पर पहुंचकर तीनों को अपने साथ थाना ले गई। प्राथमिक व मध्य विद्यालय के लिए शैक्षणिक कैलेंडर तैयार। जिला सहित प्रदेश के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में अगले 3 महीने में छात्र छात्राओं का पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ साथ उसका रिवीजन पूरा कराने के लिए शिक्षा विभाग ने व्यापक कार्य योजना तैयार कर ली है। इसके लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से अगले 12 सप्ताह के लिए शैक्षणिक कैलेंडर तैयार कर लिया गया है। 7 दिसंबर से उक्त शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर छात्र छात्राओं तक कंटेंट भेजने और कोर्स पूरा करने का प्रक्रिया शुरू होगा। तालाब से अधेड़ का शव बरामद, हत्या की आशंका। मेहरमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा गांव के तालाब में शुक्रवार को एक अधेड़ का शव बरामद किया गया। बरामद शव की पहचान फिरोजपुर गांव के 47 वर्षीय जहांगीर के रूप में की गई है। स्थानीय पुलिस ने शव को लेकर अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल कोटा भेज दिया। कस्बा गांव के तालाब में शव मिलने के बाद यह खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और शव को देखने की ग्रामीणों की हुजूम उमड़ पड़ी। खबर अब धुमका से। ताला दा की शहादत बेकार नहीं जाएगी। काठीकूट में लगे प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के पोस्टर। झारखंड के दुमका जिले के नक्सल प्रभावित काठीकूट थाना क्षेत्र में लंबे अरसे के बाद प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के नाम पर पोस्टर चिपका हुआ मिला है। इस पोस्टर में माओवादी संगठन ने इलाके में सक्रिय होने और गतिविधियां बढ़ाने का संकेत दिया है। यह पोस्टर जिले के नक्सल प्रभावित काठीकूट थाना क्षेत्र में चांदनी चौक के अमर शहीद सिद्धू कानू प्रतिमा स्थल, स्थानीय मध्य विद्यालय, वन विभाग कार्यालय के साथ पासन पहाड़ी पंचायत भवन समेत करीब आधा दर्जन स्थानों पर लगे हैं। दुमका वासियों को तारा मंडल की जल्द मिलेगी सौगात। जाने क्या है इसकी खासियत। झारखंड की उपराजधानी दुमका वासियों को जल्द ही तारा मंडल का लाभ मिलेगा। झारखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा दुमका में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में तैयार किया जा रहा तारा मंडल वर्ष 2021 के मार्च महीने तक बनकर तैयार हो जाएगा। भवन निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। धान खरीद में विलंब को लेकर भाजपा ने सरकार का पुतला फूंका। झारखंड सरकार के धान क्रय नीति और इसमें हो रहे विलंब के विरोध में शुक्रवार को भाजपा की ओर से जिला मुख्यालय समेत कई प्रखंड मुख्यालय में हेमंत सरकार का पुतला दहन किया गया। दुमका में भाजपा के जिला अध्यक्ष निवास मंडल की अगुवाई में वर्तमान झारखंड सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए 3 बाजार चौक पर पुतला दहन किया गया। खबर अब जामताड़ा से। एक नया ट्रेन। 41 रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को फंसाने के लिए जामताड़ा से फेंका जाल। झारखंड के जामताड़ा से साइबर ठग रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को फंसाने के लिए जाल फेंक रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में रिटायर्ड 41 पुलिस कर्मियों को साइबर ठगी के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश हुई है। इसमें 4 फंस भी गए हैं। मामला साइबर सेल पहुंचा तो ठगी के खेल का खुलासा हुआ। रेंज टीम का साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए झारखंड जाएगी। 50% अनुदानित दर पर मिलेगा किसानों को गेहूं बीज। गेहूं बुआई की तैयारी कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार से 550 कुंतल गेहूं बीज 50% अनुदानित दर पर वितरण के लिए जिले में कृषि विभाग को उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध बीज में कई प्रजाति का बीज शामिल है। बीज पर किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। किसान को कृषि जोत के आधार पर बीज का वितरण होगा। मतदाता सूची के नाम है या नहीं इसकी जांच कर लें। शुक्रवार को अवर सचिव मंत्रिमंडल संजय कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत चल रहे कार्यक्रम और चुनाव संबंधी जानकारी प्राप्त किया गया। इसके अलावा जिले में लिंगानुपात एवं ईपी अनुपात की विस्तृत समीक्षा बैठक उप निर्वाचन पदाधिकारी जामताड़ा के साथ किया गया। खबर अब देवघर से। देवघर में अवैध तरीके से संचालित श्री हॉस्पिटल और सम्राट पैथोलॉजी पर
FIR। देवघर में श्री हॉस्पिटल और सम्राट पैथोलॉजी अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे थे, इसके विरुद्ध नगर थाना में FIR दर्ज कराया गया है। मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविल सर्जन के बयान पर बाईपास रोड स्थित नर्सिंग होम श्री हॉस्पिटल अस्पताल गेट के समीप संचालित सम्राट पैथोलॉजी के संचालकों के खिलाफ शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। धान खरीद में देरी से किसान को नुकसान, सूखने के बाद ही धान खरीदने के निर्देश को किसान विरोधी फैसला बताते हुए शुक्रवार को शहर के टावर चौक एवं मधुपुर के गांधी चौक पर भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खाद आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव का पुतला फूंका। स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी में जुटा निगम, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बेहतर अंक लगाने को लेकर नगर निगम कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता है, इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। शुक्रवार को नगर प्रशासक शैलेंद्र कुमार लाल ने निगम के अधिकारियों और स्थानीय कलाकारों के साथ समीक्षा बैठक की। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर दीवार लेखन, होल्डिंग लगाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। जागरूकता से ही रुकेगा साइबर अपराध, नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को आयोजित थाना दिवस पर पुलिस पदाधिकारियों और बैंक के अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को साइबर अपराध से बचने का तरीका बताया। LDM मनोज कुमार, SDPO अजीत कुमार बिमल तथा पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव ने साइबर अपराध के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। धान क्रय केंद्र 6 और खरीदारी 0, क्रय केंद्र में कुछ किसान बैठकर धान की खरीद बिक्री पर चर्चा कर रहे हैं। कैमरा निकालते ही केंद्र में मौजूद सभी किसान तुरंत बाहर निकलते हैं। आवास में सभी धीमी आवाज से कुछ चर्चा करने में जुट जाते हैं। इसी बीच एक व्यक्ति धीमी चाल से आते हैं, पूछने पर वे अपने को हिरनपुर लैम्स का सदस्य सचिव बताते हैं। पाकुड़ बहड़वा की 4 सड़कों की बदलेगी सूरत, पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के पाकुड़ और बहड़वा प्रखंड के 4 जर्जर सड़कों की सूरत बदलेगी। सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री सपाकुड़ विधायक आलमगीर आलम ने जर्जर सड़कों के निर्माण के लिए तत्परता दिखाई है। पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख, राष्ट्रीय उच्च पथ के मुख्य अभियंता, केंद्रीय निरूपण संगठन के मुख्य अभियंता के साथ मिलकर सड़क निर्माण कार्यक्रम की योजना बनाई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।